आज हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल कप्स के बारे में। तो सबसे पहली बात तो ये कि मेंस्ट्रुअल कप्स क्या हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, सेफ हैं या नहीं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। मेंस्ट्रुअल कप एक सिलिकॉन बेस्ड कप, फनल शेप्ड कप है, जिसे आप अपने पीरियड्स के टाइम का ब्लड कलेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये फिलहाल जो स्टडी हुई है, जो कि 2019 में हुई थी, उसके हिसाब से फिलहाल सेफ माना जाता है आपके पीरियड्स के ब्लड को कलेक्ट करने के। इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने हाथों को अच्छे से धोना है, उसके बाद उसे एक सी शेप्ड कप शेप में फोल्ड करके अपने सर्विक्स की तरफ, सर्विक्स से थोड़ा नीचे इंसर्ट करना है, उसे रिवर्स ट्विस्ट करना है ताकि एक एयर टाइट सील बन जाए और उसे उस जगह पर छोड़ देना है। करीब करीब 6 घंटे के आसपास, या फिर डिपेंड करता है कि कितना आपका पीरियड का फ्लो है, उस हिसाब से आपको उसे चेंज करना है। चेंज करने के लिए कुछ नहीं, जो उसका बेस है उसे पिंच करना है, हाथों को अच्छे से वॉश करने के बाद स्टेम को पुल करना है, जो आपका फनल है उसे एम्प्टी करना है, अच्छे से रिंस करना है और रीइंसर्ट करना है। और पूरे आपके पीरियड्स के बाद मंथ में एक बार करीब 5 to 7 minutes आपको उसे वाटर में बॉयल करना है ताकि वो अच्छे से क्लीन हो जाए, और फिर एक ब्रीथेबल कंटेनर में उसे स्टोर करना है। मेरी सलाह यही रहेगी कि आप उसे 2 to 3 साल तक ट्राई कर सकते हैं, और इन बिटवीन अगर कभी ऐसा लगा कि उसमें कोई फाउल स्मेल है या कोई फिल्म है या उसका बहुत ज़्यादा डिस्कलरेशन हो गया है, तो आप उस कप को डिस्कार्ड करके एक नया कप लीजिए। सही फिट का होना इसलिए ज़रूरी है ताकि लीकेज ना हो। अब सही फिट बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे कि आपकी पहले कोई वजाइनल बर्थ की हिस्ट्री है या नहीं है, सर्विक्स का लेंथ कैसा है, आपके पेरिनियल मसल्स का टोन कैसा है, उसके बेसिस पे हम मोस्टली जो जिनके कभी कोई बच्चे नहीं हुए हैं उनके छोटे साइजेस के कप रेकमेंड करते हैं, और जिनकी बड़ी सर्विक्स है या बच्चे हो चुके हैं उनके लिए बड़े साइज का कप रेकमेंड करते हैं। जब भी आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं तो सर्वाइकल एग्जामिनेशन करके आप इसकी सलाह ले सकते हैं कि कौन सा एग्जैक्ट साइज आपके लिए फिट रहेगा। तो एडवांटेजेस टैम्पोन्स के ऊपर तो हैं, डेफिनेटली हैं, ये वजाइनल फ्लोरा के साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करता है, जिससे वजाइनल इरिटेशन बहुत ज़्यादा नहीं होती। आप स्विमिंग वगैरह इसके साथ कर सकते हैं क्योंकि ये सर्विक्स में अंदर फिक्स हुआ हुआ रहता है। कहीं बाहर जाना हो, ओवरनाइट स्लीपिंग हो, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि इसमें कितना ब्लड कलेक्ट हो रहा है, तो करीब करीब 6 hours तक अगर एवरेज फ्लो है तो आप उसे रख सकते हैं और आपकी ओवरनाइट जो स्लीप है वो डिस्टर्ब नहीं होती है। इससे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन या इरिटेशन फिलहाल अगर आप हाइजीनिकली यूज़ करें तो नहीं पाया गया, बट डेफिनेटली अगर हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं की जाए तो इरिटेशन या फिर इन्फेक्शन या यहाँ तक कि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, जो कि टैम्पून्स का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, वो भी हो सकता है, बट बहुत ही कम। तो इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप हाइजीन अच्छे से मेंटेन करें, और आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ये जो कप है ये आपने कितने दिन यूज़ किया है, उसके कलर और उसके ओडर का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इसके अलावा अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर भेजिए। नमस्कार। ऐसे ही और वीडियोस के लिए डाउनलोड करिए 1MG ऐप, और स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स द्वारा बनाई गई ऑथेंटिक वीडियोस को फ्री में देखिए। इन वीडियोस को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और इन्हें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं।